पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों का पिछले 11 दिनों से आंदोलन चल रहा है और अभी हम इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में हैं, जहां पिछले कई घंटों से पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुख्य सचिव का वार्ता चल रहा था। अभी बातचीत करके पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि क्या बातचीत हुई मुख्य सचिव? उन्होंने कहा कि वो समस्या को काफ़ी क्लोज से वो पर्सनली इस मैटर में वो डील कर रहे हैं और सीएम सर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी चीज़ें थी, काफ़ी डाउट थे, काफ़ी एलिगेशंस थे हमारे साइड से, वो क्लेरिफाई किया गया और उनका यही कहना है कि इसमें उनका कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और वो काफ़ी चीज़ों को क्लियर करके और हमारी वैकेंसी को प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत सारी फाइलें वो आगे बढ़ाए हैं और एजी से डे बाय डे मीटिंग्स चल रही है। बाकी लोगों से भी, जो भी हमारे विभाग से कंसर्न है, वो उन लोगों से मीटिंग चल रही है डे बाय डे और वो इस चीज़ को अभी चूँकि दर्शा रहा है तो उन्होंने बोला अभी तो 2-3 दिन का काम जो भी स्टॉपेज होगा और एजी से बात करके क्लेरिफिकेशन लेकर के एजी का अप्रूवल वगैरह जो भी होता है, जो भी चीज़ें, जो भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं उस सबको क्लियर करके वो रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। लगातार मुखर रही हैं मांगों को लेकर के, जिस तरीके से पंचायत सचिव अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति का जो मांग कर रहे हैं, भिक्षाटन भी आप लोगों ने किया, कई तरीके से अलग अलग प्रदर्शन के जरिए सरकार का जो ध्यान है वो खींचने की कोशिश कर रही थी आप लोग। आप ये बताइए कि चूंकि सत्ताधारी दल के विधायक लोग भी आप लोगों से जाकर के मिल रहे थे, सत्ताधारी दल के विधायकों से क्या अलग बातचीत हुई जो आपको कहीं ना कहीं संतुष्ट कर रहा है, जो मुख्य सचिव से आज जो बात? उनकी एक बातचीत मुझे काफ़ी ज़्यादा खटकती थी, वो कमेटी वाली बात, क्योंकि हमारे विषय में कमेटी का कोई रोल है नहीं। कमेटी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कमेटी नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत होती है, फाइलों की ज़रूरत होती है, चेयरमैन्स और जो भी कामी विभाग, इन सब के एक्शन की ज़रूरत है, कमेटी की नहीं। कमेटी अनुशंसा के लिए बनती है, कमेटी प्रॉब्लम्स को मतलब दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बनती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कमेटी की ये चीज़ काफ़ी टेंशन देने वाला था, जो कि आने के बाद क्लियर हो गया कि नहीं, फाइल डायरेक्ट इन लोगों के द्वारा ही डील की जाएगी, ना कि कमेटी एंड ऑल। तो ये एक चीज़ आप भी बताइए, इधर आ जाइए। ये जो एजी मैम, आप अभी रुकिएगा, एजी जो से जो बातचीत की बात बोल रहे हैं मुख्य सचिव, जो आप लोगों को बताया भी गया कि एजी से सलाह लिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि अब तक सलाह सरकार को ले लेना चाहिए था, या फिर अब भी अगर सरकार ये बातें बोल रही है आप लोगों के फेवर में तो वो आप लोग मानने को तैयार हैं? देखिए, अभी भी तो हमारा मतलब पूरा भरोसा है, ठीक है, कि ये ज़रूर हमारे पक्ष में, और इनकी बातों से यही लगा कि ये हमारा मतलब नियुक्ति को कराना चाहते हैं, समझ गए, और हमको लगता है कि ये ज़रूर फिर से बातचीत करेंगे उस विषय पे, और आश्वासन भी दिए हमको कि नहीं, हम बात करते हैं और पर्सनली चीज़ को बहुत गौर से मतलब उस चीज़ को देखे और ये किए और बोले कि हम भी चाहते हैं, तुम हमारा, हम तुम्हारे गार्जियन टाइप का हैं, हम भी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा मतलब नियुक्ति ना हो, है ना, तो हम इस चीज़ को पर्सनली ये कर रहे हैं और हम इस पर पूरा ध्यान दे के जो है कि इससे हम बात करके जो भी होगा, ठीक है, हम इसको फाइनल करेंगे, तुम लोग का नियुक्ति जरूर। कितने 2500 के आसपास है संख्या? 3088 है उनको, ये पोस्ट वगैरह सब कुछ ध्यान है उनको, उन्होंने हर चीज़ को पर्सनली डील किया है। और एजी से जहाँ तक राय की बात है तो वो चल रहा है, बट चूंकि इनका कहना है प्रोसेस जो है वो काफ़ी लॉ के प्रोसेस से जाने पे थोड़ा टाइम लगता है और जिस तरह का मैटर है, किसी लिटिगेशन में सरकार ना फंसे, इसलिए वो काफ़ी हर चीज़ को बारीकी से देखते हुए कर रहे हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल, चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है कोविड के चलते, 6 मंथ का डिले, उसके बाद फिर इधर और कुछ लापरवाहियों की वजह से हमारा जो भी इशू क्रिएट हुआ है उसके चलते वो काफ़ी कंसर्न है एंड इस चीज़ को वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, और जहाँ तक लगा सर्टन समरी बिफोर एंडिंग ऑफ दिस ईयर। इतना हम लोग जिस तरीके से कवर कर रहे हैं शुरुआत के दिनों से आप लोगों की जो भी मांग रही है, द फॉलोअप के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सरकार तक बातें पहुँचे, आप लोगों से जो आज जो बातचीत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप लोग सरकार और खास करके जो मुख्य सचिव जिस तरीके से आप लोगों को समझा पाने में लगता है कि सफल हो पाए हैं, तो क्या अभी नवरात्रा का भी समय चल रहा है, आप लोग का जो लड़ाई चल रहा है धरना के माध्यम से सरकार को लेकर के, तो क्या आप लोग इसको वापस अभी लेंगी जिस तरीके से? इस बारे में मैं अभी यहाँ से स्टेटमेंट देना सही नहीं समझूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 है। आप लोग किस तरीके, क्योंकि पांचों को ही वहाँ से भेजा गया था, लेकिन एक्चुअली आप लोग बोलेंगे वही बात होगी। हाँ, वो सही है, मतलब इनका बोलना है कि इतना ज़्यादा टेंशन लेकर के और अपने चीज़ों को टेंशन करके लाइफ को स्पॉइल करना सही नहीं है। और एक बहुत सही बात लगी कि जब किसी भी गवर्नमेंट का 1 ईयर कम्प्लीट होता है तो वो अपनी उपलब्धि में क्या गिनाएगी कि कितने धरने हुए हैं, ऑफकोर्स नॉट
तो ये चीज़ सबसे सही लगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ चीज़ों को नहीं क्लियर करते हैं तो उनके पास गिनाने के लिए सिर्फ धरने ही रहेंगे। सीधी बात करती है इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोग जाकर के क्या समझाएंगी उन बच्चों को जो ये सारी चीजें? मैं कन्विंस करूंगी अपने दोस्तों को, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि उन लोग मेरी बातों से कन्विंस होते हैं, अभी तक होते आए हैं। सब फेस्टिवल मनाएंगे लोग, बात तो यही हो रही है, क्योंकि सर ने बोला कि वो जो भी प्रशासन है उस पूजा का ध्यान रखेगी, कलश का भी वो ध्यान रखने की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, कि पर्सनली वो सर थे वहाँ पे बैठे हुए, तो उन्होंने बोला डीसी सर से भी बातें चल रही है, तो वो जो आप लोगों ने कलश स्थापना की थी वहाँ पे उसका भी जिम्मेवारी सरकार लेने के लिए रेडी है। उनका बोलना है कि विधि विधान से मंदिर के पुजारी के को रख करके उसकी पूजा की जाएगी, ऐसा उनका बोलना है। हमने बोला भी कि हम लोग कर लेंगे दो चार दिन, तो बोले नहीं आप लोग घर से आ सकते हैं, घर जाइए और घर पे ये कीजिए, और पूजा की जिम्मेदारी भी प्रशासन उठाना चाहती है, वो बार बार यही बोल रहे हैं, अभी दो तीन बार भी उन्होंने यही बोला, तो अभी जा करके हम लोग बात करते हैं, एक बार और बात करके देखने का कोशिश करेंगे अगर वो, और रही बात ये धरना ख़त्म करने की और ये करने की, तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल जिस तरह की बातें हुई हैं तो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आई हैं जो लगता है कि हाँ ये वक्त, लेकिन ये धरना गलत नहीं था, मैंने उनको ये भी बोला, ठीक है ये थोड़ा गलत था, रास्ता गलत था, थोड़ा सा हो सकता है उनको ऐसा लगता है जैसा, तो मेरा यही उनसे बोलना है, और मैं अभी भी ये बोलूँ प्रक्रिया है गलत। हाँ गलत, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से अगर ये गलत था तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने उनको वहाँ पे बोला और यहाँ भी बोल रही हूँ कि चूंकि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था तो हमने ये तरीका अपनाया, और किसी भी धरने का मेन मोटो होता है ध्यान आकर्षण करके अपना सॉल्यूशन ढूंढना, तो हमने वो चीज करने के लिए ये वे अपनाया, हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना या किसी को बदनाम करना या सरकार के अगेंस्ट जाना या किसी पर्टिकुलर संस्था के अगेंस्ट जाना भी नहीं था, हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा था, आज उन्होंने हमें बुलाया, हमसे बात की, यही चीज़ अगर पहले हो जाती तो ये दिन ही नहीं आता, ये मैं क्लियर यहाँ से कहना चाहूँगी, हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना, ना प्रशासन को परेशान करना, ना ही किसी SDM को, ना ही किसी DM को, मिलाकर आप लोग बातों से संतुष्ट मतलब हैं। इतना तक भी वो बोले कि मतलब अगर तुम्हारा सॉल्यूशन अगर नहीं भी होगा तो तुम लोग फिर आके बैठ जाना दोबारा, लेकिन पूजा घर में जाकर पूरा नहीं, अभी उन्होंने बोला कि एक जो टाइम थोड़ा सा जो लगता है प्रोसेस में वो दो, अगर तुम्हें एक सर्टन टाइम के अंदर लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं तो हमने कोई बॉन्डेशन नहीं लगाया है या हमने तुमसे कोई बॉन्ड नहीं साइन कराया है, आप आ सकते हैं दोबारा, लेकिन क्योंकि तुम्हारी मांगे लीगल है, जायज़ है, फाइनल मेरिट लिस्ट मांगना हमारे हक में है, ये उनका अपना ओपिनियन है और एक्चुअली लीगल है क्योंकि हमारे पास सब कुछ सही है, तो उनका ये कहना है कि इसलिए हमें इसको करना ही है और हम करेंगे, इसलिए हमने वार्ता के लिए बुलाया, बाकी चीज़ों को हम वार्ता के लिए नहीं बुला पाते, जो कि जो चीज़ें जायज़ नहीं होती उसको मैं वार्ता में नहीं लेता, ये उनका अपना बोलना है। शुक्रिया आप लोगों का। तो ये लोग पंचायत सचिव के वो अभ्यर्थी हैं जो पिछले 11 दिनों से मोरहाबादी में आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, नियुक्ति की मांग को लेकर के, अब जबकि मुख्य सचिव से इनकी बातें हुई है तो कहीं ना कहीं ये संतुष्ट हैं, और ऐसी उम्मीद अब जताई जा रही है कि आज देर रात तक इनका आंदोलन समाप्त हो सकता है। www.thefollowup.in